नागपुर के बाद बढ़ते हैं हम बुलढाणा की ओर, क्योंकि पूरे विदर्भ में के अनेक जिलों में लगातार कई कोरोना पेशेंट के मामले सामने आए हैं और 9 जुलाई का दिन ऐसा रहा है विदर्भ के लिए कि काफी ज्यादा संख्या में मरीज पाए गए हैं। इस वक्त हम बुलढाणा चलते हैं और बुलढाणा से हमारे संवाददाता दीपक मोरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सर, हमें बताइए कि इस वक्त बुलढाणा की स्थिति क्या है और कितने पेशेंट बुलढाणा में पाए गए हैं, अपडेट क्या है बुलढाणा की? जी, बुलढाणा ज़िले के अंदर जो है तकरीबन 147 लोग जो है अभी पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव जो पेशेंट है वो अभी कोविड हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज ले रहे हैं। साथ ही जो जिन लोगों की मौत हुई ऐसे 15 लोग हैं जिन लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। साथ ही 7 तारीख को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट 43 लोगों के पेशेंट के जो स्वैब है वो लोग पॉजिटिव पाए गए सबसे ज़्यादा। और साथ ही अभी जो है बुलढाणा ज़िले के अंदर और बुलढाणा शहर के अंदर आज 4 पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर अपना इलाज ले रहे हैं। कितने एक्टिवेशन सेंटर वहाँ पर हैं और उनकी स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, किस तरह का मतलब प्रशासन की ओर से क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह से जायज़ा लिया जा रहा है? जी, हमने अभी कल ही एक खबर चलाई थी जो कि इस कोविड अस्पताल के बाहर जो है जो पीपी किट और साथ ही अपना हैंड ग्लोव्स मास्क ऐसे जो यूज़ किए हुए जो साहित्य है वो एक ड्रेनेज और एक गड्ढे के अंदर डाला गए थे और वो उसके ऊपर जो है वो बारिश गिरने के बाद पूरा जो बहकर रिहायशी इलाकों में वो तब गया था। हमने जब खबर लगाई तो ऊपरा ऊपरी जो है वहाँ पर सफाई की गई है, बावजूद जो ड्रेनेज का बड़ा गड्ढा है वहाँ पर जो है आज भी वहाँ की जो स्थिति है उसी तरह से है। कहीं ना कहीं बुलढाणा आरोग्य प्रशासन जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर यहाँ पे जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दीपक मोरे जिन्होंने बुलढाणा की यहाँ पर जानकारी दी कि जहाँ पर यूज़ होने वाले मास्क या फिर जो ग्लव्स है उनका सही तरीके से उस पर काम नहीं किया गया, जिस वजह से कोरोना का जो वायरस है वो फैलने की और अधिक आशंका बनी हुई है और इसके लिए प्रशासन को काम करना चाहिए।